जिस वीडियो में आपको हम बताएंगे ओमनी कार्ड में आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कैसे करेंगे, इसका कंप्लीट प्रोसेस आपको हम दिखाने वाले हैं। अगर आप इस अकाउंट को ओपन करते हैं तो तुरंत ही आप किसी को भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। सबसे मजे की बात है कि इसमें माइनर भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं और 18 प्लस के भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन होने के तुरंत ही बाद आप UPI को भी एक्टिवेट कर सकते हैं, ATM कार्ड को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। ATM कार्ड एक्टिवेट होने के तुरंत ही बाद फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे एप्लीकेशन को आसानी से यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना होगा। जाने के बाद वहाँ पर लिखना होगा ओमनी कार्ड, ओमनी कार्ड लिख के उसको सर्च करना है। सर्च करने के बाद उसको इंस्टॉल कर लेना होगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या काम करना है, ओपन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आगे इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या काम करना होगा, गेट स्टार्ट पर आपको क्लिक कर देना होगा। गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगला इंटरफेस शो कर रहा है। इस पर आपको मोबाइल नंबर फिलअप करना होगा, जिस नंबर से आप अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं वो नंबर आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे। करने के बाद सेंड OTP पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। फिलअप करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ATM कार्ड शो करा और यहाँ पर लिखा हुआ बोल्ड ब्लैक यहाँ पर लिखा हुआ। उसके बाद क्या काम करना होगा, सिलेक्ट पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगला इंटरफेस शो करने लगा है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद यहाँ पर आपका लास्ट नेम सिलेक्ट करना होगा, और यहाँ पर आपका जेंडर यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा, मेल है, फीमेल है या अदर है, जो भी आपका यहाँ पर जेंडर होगा वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा, आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपना ईमेल आईडी यहाँ पर एक डाल देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका सिटी यहाँ से सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपका सिटी होगा यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद इंटर यूर रिफरल कोड यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको रिफरल कोड यहाँ पर डालना होगा। रिफरल कोड अगर स्क्रीन पर शो नहीं कर रहा तो डिस्क्रिप्शन में रिफरल कोड मिल जाएगा, उस रिफरल कोड को यहाँ पर आप डाल सकते हैं। और यहाँ पर आप टिक करेंगे, टिक करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगला इंटरफेस शो करने लगा है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद यहाँ पर अगला इंटरफेस यहाँ पर शो कर जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्लेटिनम ATM कार्ड यहाँ पर शो कर रहा। उसके बाद आपको क्या काम करना होगा, यहाँ पर क्लेम यूर कार्ड यहाँ पर लिखा हुआ, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ पर शो कर रहा है चॉइस आईडी टाइप, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करके आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आधार कार्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वोटर कार्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद पासपोर्ट भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पैन कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पैन नंबर डालेंगे और यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर सबमिट पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन शो करने लगा है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं न्यू कार्ड का ऑप्शन और यहाँ पर स्कैन एंड पे। तो यहाँ पर स्कैन करके किसी को भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ ऑर्डर यूर फिजिकली ATM कार्ड, अगर आप फिजिकली ATM कार्ड ऑर्डर करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके फिजिकली ATM कार्ड को ऑर्डर कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जनरेट UPI आईडी, यहाँ पर क्लिक करके UPI आईडी को जनरेट कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर आपको ATM कार्ड का डिटेल्स यहाँ पर दिखा देते हैं, और इस पर हम क्लिक करके ATM कार्ड का फ्रंट साइड भी आपको दिखा देते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा ATM कार्ड का पूरा डिटेल्स यहाँ पर शो कर रहा, और इसी तरह आप ATM कार्ड को देख सकते हैं। अभी तक ATM कार्ड का पिन जनरेट नहीं हुआ, ATM कार्ड का पिन अभी तक हम नहीं बनाए हैं, तो ATM कार्ड का पिन कैसे बनाते हैं वो भी आपको हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम KYC को कम्प्लीट कर लेते हैं, करने के बाद आपको ATM पिन भी बना के आपको हम दिखा देते हैं। तो सबसे पहले KYC कम्प्लीट करने के लिए आपको क्या काम करना होगा, तो KYC कम्प्लीट करने के लिए आप ऑर्डर योर फिजिकल ATM कार्ड का ऑप्शन यहाँ पास होकर इस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर कम्प्लीट यूआर KYC टू यूज दिस फीचर, और उसके नीचे कम्प्लीट KYC का ऑप्शन शो कर इस पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पर देख पा रहे गेट स्टार्ट का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन शो करने लगा है। तो KYC कम्प्लीट करने के लिए आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए, उसके बाद आपका सेल्फी लिया जाएगा, उसके बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा चॉइस यूर स्टार्टर, इस पर आप क्लिक करके यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे आप स्टूडेंट है कि एम्प्लॉयड है या आप बिजनेसमैन है या अदर्स हैं, जो भी है आप हैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये दोनों बॉक्स पर आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पर आई एम रेडी पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका आधार नंबर डालना होगा। उसके बाद ये जो कैप्चा देख पा रहे हैं, इस कैप्चा को इस बॉक्स पर फिलअप करना होगा। फिलअप करने के बाद सेंड OTP पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपका आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक किया हुआ रहेगा उस नंबर पर आपका एक OTP भेजा जाएगा, एक वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा,
उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। फिलअप करने के बाद वेरीफाई पर आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पैन नंबर डालना होगा। डालने के बाद नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन शो कर रहा टेक ये सेल्फी यहाँ पर लिखा हुआ और यहाँ पर ओपन कैमरा लिखा हुआ है, तो आपको ओपन कैमरा पर क्लिक कर देना होगा। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगला इंटरफेस शो करने लगा, तो यहाँ पर आपका एक सेल्फी लिया जाएगा और आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना होगा। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख पा रहे कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ गया है और यहाँ पर आपका अकाउंट कम्प्लीट हो चुका है और आपका फुल KYC कंप्लीट हो चुका है। ना आपको अधिकारी के साथ वीडियो KYC पर बात करना होगा, ना आपको किसी भी प्रकार का सिग्नेचर करना होगा, ना आपको कुछ करना होगा। और यहाँ पर ट्रांजेक्शन लिमिट यहाँ पर देख पर 1 लाख यहाँ पास होकर आप 1 लाख का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो हम क्या काम करेंगे, हम होम पेज पर चले जाते हैं। जाने के बाद आपको हम दिखाते हैं कि ATM कार्ड का पिन कैसे एक्टिवेट करते हैं। ATM कार्ड का पिन बनाने के लिए आपको फिर से नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नीचे आने के बाद सेट पिन पर आपको क्लिक करना होगा। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। फिलअप करने के बाद यहाँ पर देख पा रहे क्रिएट न्यू 4 डिजिट पिन, यहाँ पर आपको एक पिन क्रिएट करना होगा, एक पिन बनाना होगा। तो यहाँ पर एक 4 डिजिट का पिन बना लेंगे, जिस पिन के द्वारा आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे एप्लीकेशन को आसानी से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 डिजिट का पिन डालना होगा। उसके बाद आपको री इंटर पर आपको वही दोबारा जो है वही पिन को आपको डाल देना होगा। डालने के बाद कंफर्म पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम कंफर्म पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर मेरा पिन सेट सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप इसका होम पेज पर आ जाएंगे। आने के बाद किसी को भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं और स्कैन एंड पे के द्वारा किसी भी शॉप में जाकर किसी को भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब किसी को भी पैसा पे कर सकते हैं। तो इसी तरह आप ओमनी कार्ड में आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये जो अकाउंट है आपका वॉलेट अकाउंट होने वाला है। इस अकाउंट को ओपन करने के तुरंत ही बाद किसी को भी पैसा ट्रांसफर करने का काम कर सकते हैं और फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे एप्लीकेशन को भी आप आसानी से एक्टिवेट कर सकते हैं। तो वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में।